हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं और हम लोग हमारे इस चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे जो कॉमन मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, जो कॉमन मेडिकल टेस्ट होते हैं या कॉमन मेडिकल कंडीशन होते हैं, उसके बारे में एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप डॉक्टर से उनके ओपीडी में कंसल्ट नहीं कर पाते, नहीं पूछ पाते, भूल जाते हैं, बाद में याद आती हैं। तो ऐसे ही मैं टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का दोस्तों टॉपिक है, एक टेस्ट के बारे में है, डेक्सा स्कैन टेस्ट। दोस्तों, एक टेस्ट काफी फ्रीक्वेंटली आजकल एडवाइस किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, ऑर्थोपेडिशियंस के द्वारा, जनरल फिजिशियंस के द्वारा, न्यूरोसर्जन के द्वारा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो डेक्सा टेस्ट होता है, DEXA, तो दोस्तों ये एक तरह का एक्सरे का टेस्ट होता है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्प्शियोमेट्री। ये पूरा एक जो टेस्ट का फुल फॉर्म है, तो इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, इस टेस्ट में लो डोज ऑफ एक्सरे, लो डोज यानी कि बहुत ही कम डोज, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई डोज इसमें नहीं दे दी जाती है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल हो। बहुत ही कम डोज ऑफ एक्सरे दिया जाता है। जैसे इस तरह से पेशेंट लेटता है, ये जो मशीन होती है ये आगे पीछे मूव करती है, पेशेंट को ऐसे स्ट्रेट लेटना होता है, और ये बहुत ही लो बीम एक्सरे की हमारी बॉडी से ट्रांसमिट करती है, और यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है जिसका डेटा जो है यहाँ पे रीड कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है अराउंड, मैं प्राइवेट सेटअप में बता रहा हूँ, डिपेंड्स फ्रॉम 1500 रुपए से लेके 6000 रुपए तक का ये टेस्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। दोस्तों, डेक्सा के अलावा इसका जो आम कॉमन नाम है वो होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, यानी कि जैसा ही नाम में छिपा है कि बोन में कैल्शियम, यानी कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की कमी है कि नहीं है, उसका स्कोर क्या है। तो ये आम भाषा में बोल सकते हैं हमारे बोन्स में मिनरल की डेंसिटी कितनी है, वो ये एक्सरे बीम के माध्यम से मेजर करता है। दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस मैं ये एडवाइस करूंगा, आप हल्के लूज क्लोथ्स पहन के जाएं, कोई भी मेटल की चीज अपने पास नहीं रखनी, क्योंकि ये आपका डेंसिटी नाप रहा है। तो अगर मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर मेटल बेल्ट वगैरह आपने पहना होगा, तो जो वैल्यूज हैं वो फॉल्स आ सकती हैं। और कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कोई एनेस्थीसिया नहीं लगेगा, कोई बहुत ज्यादा आपको पिन प्रिकिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टोटली सेफ टेस्ट है। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है ये रेडिली अवेलेबल होता है, और बहुत ज्यादा कोई अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। बस मैं एडवाइस करूंगा आप जाएं जब, तो लूज क्लोथ्स हल्के कपड़े पहन के जाएं, और मेटल की कोई भी चीज आप पहन के जा सकते हैं, बट टेस्ट के दौरान आपको बोला जाएगा हटाने के लिए, तो आप अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये सिंस डेंसिटी नापता है, तो अगर मेटल पहन के जाएंगे तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स हाई आ जाएगा, क्योंकि आपको मेटल पहना उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो भी ये फॉल्सली रीड कर लेगा कि बॉडी में ही कहीं मेटल है, तो इसकी वैल्यू रेज आ जाएंगी, वैल्यू बढ़ी हुई आ जाएंगी। और आप बिना, इसमें कोई पेनलेस टेस्ट होता है, कोई सुई नीडल प्रिकिंग वगैरह सबकी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार आपको कंफर्टेबली लिटा दिया जाएगा और आराम से टेक्नीशियन आपकी हेल्प कर देंगे। बस आपको लेटना रहेगा, 5-10-15 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, एक और जो बात मैं बोलूंगा कि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कैल्शियम टैबलेट्स ले रहे हो, तो वो उस टेस्ट के एक दिन पहले आप ना लें, क्योंकि उसकी वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं वो आपकी फॉल्सली रेस्ट आ जाएंगी। दोस्तों, जो अगली बात जो ध्यान देने वाली है वो है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सरे रेडिएशन यूज करता है, लो डोज में दो करता है, बट एक ग्रोइंग जो बच्चा होता है, फीटस जो होता है, उसके लिए हो सकता है, रेयर है, संभावना है, बहुत कम परसेंटेज चांसेस होते हैं, बट हो सकता है कि ये उसके लिए अच्छा ना हो, उसकी हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, तो प्रेगनेंसी में ये टेस्ट अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने बता ही दिया था, इस तरह से टेक्नीशियन आपको ऑब्जर्व करता रहेगा, ऐसे आप लेटेंगे और आपका टेस्ट 5-10-15 मिनट में हो जाएगा, आसानी से परफॉर्म हो जाएगा, सेम डे रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, सेम डे या नेक्स्ट डे इसका रिपोर्ट मिल जाती है आपको, और आप इसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस प्रकार की ऐसे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जैसे ये आपकी पेल्विस की बोन है, ये हिप जॉइंट है, तो ये हर जगह का बोन डेंसिटी नापता है आपके। चूंकि मैं, ये वाली जो साइट होती है फ्रैक्चर के लिए बहुत कॉमन होती है, ओल्ड एज में इसलिए टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए कि इस जगह पे कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, अगर है तो आप फ्रैक्चर के रिस्क पे और प्रोन हो जाते हैं। और इस तरह से जो आपकी लंबर स्पाइन है, इसमें ये सारे लेवल पे बोन डेंसिटी नाप लेता है और फाइनल एक स्कोर इस प्रकार का दे देता है, जेड स्कोर जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, जेड स्कोर जैसे इसका नॉर्मल है 0.5, अगर -1 से कम है तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम है, और अगर 2.5 -2.5 से भी अगर ये स्कोर कम है, यानी कि -3 -4 इस टाइप का स्कोर आ रहा है, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें जो बोन्स होती हैं बहुत कमजोर हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर का जो रिस्क होती है, फ्रैक्चर की संभावना होती है, बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
और -1 के ऊपर जो वैल्यू जैसे पेशेंट की 0.5 आई है, ये सब नॉर्मल वैल्यूज हैं। तो इस प्रकार का आपका बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, बोन डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो जिम जाते हैं, जो हर जगह अपने बॉडी का फैट देखना चाहते हैं, हमारा बॉडी में कहाँ पे कितना फैट है, उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। ये पूरा आपका एडिपोज टिश्यू कितना टोटल बॉडी में कितना परसेंटेज फैट है ये बता रहा है। जैसे इस पेशेंट में 21.7% बॉडी फैट है, तो जितना बॉडी फैट आप कम करेंगे उतना आपका जो फिजिक है एस्थेटिकली वो ज्यादा खूबसूरत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो ये हर जगह का फैट का, लिम्ब में कितना है, ट्रंक में कितना है, पेट के चारों तरफ कितना है, ये सारी चीजें बहुत सारे पैरामीटर्स में आएगा अगर आप जिम जाते हैं। और आप देख, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा क्या क्या मतलब किस प्रकार मेरी बॉडी डेवलप कर रही है या कौन से एरिया में शोल्डर बैक या आर्म्स में मुझे ज्यादा अभी एफर्ट करने की आवश्यकता है, तो वो भी आपको इस टेस्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बट ये भी इस टेस्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। बहुत सारे लोग एप्स के पीछे हैं, क्रेजी हैं, तो बॉडी फैट अगर आपका कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो एब्स की मसल है, एब्डोमिनल जो मसल है आपकी दिखने लगेंगी। तो इसके लिए भी आप ये टेस्ट मॉनिटरिंग के लिए करा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इसकी रिपोर्ट है, डेक्सा की रिपोर्ट है, आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ट्रंक, राइट लेग, लेफ्ट लेग, टोटल हेड में, तो ये टोटल बता रहा है कितना मास है, कितना ग्राम में मास है और कितना परसेंटेज फैट है, कौन कौन से इलाके में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट का जो है 29.1% राइट लेग में फैट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, दोनों लेग में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे मुझे ज्यादा लेग्स का वर्कआउट, आप इस फॉर एग्जांपल अगर ये जिम गोअर होगा तो लेग्स का वर्कआउट इसको ज्यादा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आप पिन पॉइंट भी चीजें कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।